फ्री वीडियो एडिटर। भाई भाई कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो? अरे अरे बताओ ना भाई। अब ये सारे सवाल तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो, तो आओ आज इनका जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मैंने किससे शुरू किया और अभी क्या यूज करता हूँ। तो मैंने फोन से लेकर पीसी के हर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज किया है, फिल्मोरा से लेके प्रीमियर फाइनल कट प्रो तक। बट आई यूज एडोब प्रीमियर प्रो नाउ ऑन माय विंडोज मशीन। और हाँ, आपको इसके लिए पे करना होता है। मैं इतना पे करता हूँ हर महीने, जिसमें मुझे एडोब के सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। और हाँ, इसका कोई लाइफ टाइम प्लान नहीं है, तो आपको इन सर्विसेज के लिए हर महीने पे करना होगा। बट प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पे करने के बाद भी आपको इसमें इतने सारे बग्स देखने को मिलते हैं। शांत हो जा भाई, ये वीडियो इस टॉपिक पे नहीं है। ओ हाँ, फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिससे एक्सपोर्ट करते टाइम वॉटरमार्क भी ना आए। तुझे क्या लगता है आजकल के टाइम में कुछ भी फ्री मिल सकता है? इधर आ, वीडियो को लास्ट तक देख और फिर बताना। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक नहीं, चार फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिससे तुम वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो और तुम्हें एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर दो थोड़े एडवांस सॉफ्टवेयर है और दो बिगिनर लेवल एडिटिंग के लिए हैं, तो तुम अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। तो मैंने चारों अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिए हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बिगिनर लेवल एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा लाइट वर्क, तो इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे पूछेगा है न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे और क्रिएट। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें चार टैब मिल जाएगी ऊपर की तरफ, लॉग, एडिट, वीएफएक्स, ऑडियो। लॉग के अंदर तुम अपनी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आ जाएंगे हम एडिट पे। यहाँ पर तुम्हें सीक्वेंस मॉनिटर मिलेगा और टाइमलाइन मिलेगी। सीधा अपनी क्लिप्स को लो और टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। उसके बाद तुम सी से सिंपल कट लगा सकते हो, वीडियो में से इन एंड आउट पॉइंट ले सकते हो। राइट में तुम्हें अंडू और रीडू का बटन मिल जाएगा। टाइमलाइन पे राइट क्लिक करके तुम्हें और भी सारे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। VFX वाली टैब में जाके तुम कलर ग्रेडिंग कर सकते हो और यहाँ पे तुम्हें बाकी इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी वीडियो की पोजीशनिंग चेंज कर सकता हूँ 2D वाला फिल्टर डाल के, और यहाँ पर तुम्हें की फ्रेम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब धीरे धीरे कुछ ज्यादा नहीं करा है। उसके बाद तुम यहाँ पर एनिमेटेड टेक्स्ट डाल सकते हो और ऑडियो टैब में जाकर तुम ऑडियो में भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। टॉप राइट में तुम्हें 3-डॉट ऑप्शन मिलेगा, वहां से तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी वीडियो। लाइट वर्क्स बहुत ही सिंपल है, बस इसमें एक ही डिसएडवांटेज है कि तुम इसमें 720p में ही वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो कोई भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए इसे यूज कर सकते हो। और फुल HD 1080p वीडियो रेंडर करने के लिए तुम आगे बाकी के तीन वीडियो एडिटर में से कोई भी एक देख सकते हो। शॉर्टकट भी एक बहुत ही सिंपल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। शॉर्टकट ओपन होते ही तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। टॉप लेफ्ट में तुम फाइल इंपोर्ट कर सकते हो अपनी, और यहाँ पर भी तुम्हें ऊपर की तरफ टैब मिल जाएंगी जैसे कि लॉग, एडिट, एफएक्स, कलर, ऑडियो, प्लेयर। उसके बाद अपनी क्लिप्स को टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सिंपल कट लगाने के लिए यहाँ पर टूल्स हैं, मैग्नेटिक टाइमलाइन है। टाइमलाइन में लेफ्ट क्लिक करके तुम यहाँ पर ऐड ट्रैक कर सकते हो या ऐड ऑडियो कर सकते हो। इफेक्ट्स में जाकर तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने स्क्रीन को ब्लर कर दिया है, और यहाँ पर भी तुम अपना टेक्स्ट डाल सकते हो कुछ भी। अब बिगिनर लेवल के लिए इन दोनों प्रोग्राम में से तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। सिंपल इंटरफेस के साथ यूट्यूब के लिए वीडियो तो कर ही सकते हो, और मोबाइल एडिटिंग से थोड़ा एडवांस है तो तुम्हें कुछ सीखने को भी मिलेगा, और तुम वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी वॉटरमार्क। भाई फ्री बता रहा है बिगिनर लेवल के लिए, कुछ खास फीचर्स तो होंगे नहीं फिर इनमें? एड, कट, ट्रिम, लेयर, वो सब फीचर्स हैं इन एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो हर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होता है। उसके बाद आते हैं थोड़े एडवांस लेवल एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो पहला एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर है हमारा हिट फिल्म एक्सप्रेस। तो प्रोग्राम ओपन होते ही यहाँ पर तुम्हें वो ही सेम प्रोजेक्ट बना लेना है। यहाँ पर तुम पहले ही सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारी सीक्वेंस सेटिंग्स क्या होंगी और तुम्हारी वीडियो की लेंथ क्या होगी, बट वो तुम प्रोग्राम के अंदर जाके भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसका इंटरफेस बिल्कुल सेम टू सेम प्रीमियर प्रो जैसा है, जहां पर उसके इफेक्ट्स कंट्रोल है, सेम टू सेम वो ही सब चीजें हैं, बस थोड़े बहुत नाम चेंज किए हुए हैं और इसे व्हाइट थीम दे दी है। उसके बाद सिंपल तुम्हें यहाँ इम्पोर्ट सेक्शन में अपनी वीडियोज को इम्पोर्ट कर लेना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो टाइमलाइन पे, मैग्नेटिक टाइमलाइन है। प्रीमियर प्रो से भी सिंपल, इसमें तुम्हें थोड़े से इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि तुम अपनी वीडियो की पोजीशनिंग चेंज कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो इजीली। टेक्स्ट का भी ऑप्शन तुम्हें सिंपल व्यूअर के बराबर में मिल जाता है। फिर तुम टेक्स्ट टैब में जाके थोड़े बहुत टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर भी टेक्स्ट को मूव करना बहुत ईजी है। उसके बाद तुम्हें मास्क का ऑप्शन भी बहुत ही ईजिली मिल जाता है। गॉजन ब्लर, रेडियल ब्लर तुम्हें ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर इफेक्ट्स में, और तुम यहाँ पर लेयर एडिटिंग कर सकते हो। पिछले प्रोग्राम में भी तुम लेयर एडिटिंग कर सकते थे, बट यहाँ पर थोड़ा
इजी और सुंदर दिखता है। राइट क्लिक करके तुम्हें न्यू ऑप्शंस मिल जाएंगे और जब तुम्हारी वीडियो हो जाए उसके बाद तुम इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा नंबर वन फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाविंची रिजॉल्व, और इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा जरूर। तो यहाँ पर भी प्रोग्राम ओपन होते ही तुम्हें प्रोजेक्ट बना लेना है, उसकी लोकेशन सेव कर लेनी है जिससे तुम्हारा डाटा कहीं ना जाए। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर भी तुम्हें टैब्स देखने को मिलती है, मीडिया, कट, एडिट, फ्यूजन, कलर, फेयर लाइट, डिलीवर। मीडिया और कट में जाकर तुम अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो और नीचे की तरफ तुम्हें टाइमलाइन दिख जाएगी। ये प्रोग्राम थोड़ा प्रीमियर की तरह और थोड़ा फाइनल कट प्रो की तरह है, तो तुमने इन दोनों में से कुछ भी यूज किया है तो तुम्हारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पर भी तुम इन एंड आउट पॉइंट लगा के वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हो, रेजर टूल से सिंपल कट लगा सकते हो, वीडियो पे राइट क्लिक करके तुम्हें और भी ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि रिपल कट, और यहाँ पर भी तुम मार्क लगा सकते हो। उसके बाद क्रोप और पोजीशन का यहाँ पर भी तुम्हें सिंपल फीचर मिल जाता है और ये बहुत ही इजी है प्रीमियर प्रो से तो। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर तुम्हें प्री इंस्टॉल ट्रांजिशन मिल जाएंगे, बाकी की तरह नहीं, अच्छे ट्रांजिशन है जो तुम वीडियो में यूज कर सकते हो। वो शादी की एल्बम वाले ट्रांजिशन भी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छे ट्रांजिशंस हैं जैसे कि ये स्वाइप वाला और जूम आउट वाला। उसके बाद तुम कलर टैब में जाके कलर ग्रेडिंग कर सकते हो जिसके लिए डाविंची फेमस है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर से। डाविंची में हम यूज करते हैं नोड्स, ये बिल्कुल एडजस्टमेंट लेयर की तरह होती है और जब तुम यूज करोगे तुम्हें पता लग ही जाएगा। एडजस्टमेंट लेयर नहीं पता तो एडजस्टमेंट लेयर होती है एक ट्रांसपेरेंट लेयर, उसके ऊपर तुम इफेक्ट्स लगा सकते हो जितने भी, और एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जितनी भी लेयर्स होगी उन सब में वो इफेक्ट लग जाएगा। तो एडजस्टमेंट लेयर को कॉपी करना और डिलीट करना ईजी हो जाता है, बस इसीलिए यूज करते हैं एडजस्टमेंट लेयर। बाकी फेयर लाइट में जाकर तुम ऑडियो में थोड़े बहुत इन्हेंसमेंट कर सकते हो, और डिलीवर ऑप्शन में जाकर तुम वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो ये सब प्रोग्राम, वो भी एकदम फ्री। और तुम्हें सारे फीचर्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फीचर होने से तुम कोई प्रो नहीं बन जाओगे, प्रो तुम बनोगे अपनी क्रिएटिविटी से, और वो तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में दिखा सकते हो। अब मेरी बात तो तुम मानोगे नहीं, तो आओ प्रो कंटेंट क्रिएटर से ही पूछ लेते हैं कि वो कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई क्या हो भाई, पीछे के ऊपर कौन है? भाई मेरा नाम है रचित। फिर मैं क्या करूं भाई, बस दो सवाल पूछे थे अगर टाइम हो तो। भाई टाइम नहीं है भाई, तुम्हारे लिए चाय बनाई है। चाय? चलो ठीक है। तो सौरभ भाई, सबसे पहला मेरा सवाल जो कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा आता है कि चाय कैसी बनी है? चाय तो बेस्ट है, मतलब दिल्ली आके मैंने सबसे बेस्ट चाय आपके हाथ की पी। अरे थैंक यू भाई। तो ये बताओ अभी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए? अभी फाइनल कट प्रो। और इससे पहले क्या करते थे यूज? इससे पहले फिल्मोरा। इन दोनों में फर्क क्या लगता है तुम्हें कि बेस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली फाइनल कट प्रो। फिल्मोरा कैसे यूज करते थे, पेड या फ्री? हाँ पेड, उसमें तो बटर मार्क आता है। हाँ तो भाई, मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से फर्क नहीं पड़ता। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं पावर डायरेक्टर से स्टार्ट किया था, तो अराउंड मैंने 400-500 वीडियोज उससे एडिट करी और मेरे 3-4 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। मैं फ़ोन से एडिट करता था, लैपटॉप मैंने बाद में लिया था जब मेरे 3-4 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने फिल्मोरा खरीदा और फिल्मोरा यूज़ करने लगा मैं। फ़ोन में करते थे या लैपटॉप पे? लैपटॉप में, उससे पहले फ़ोन में ही करता था, मेरे पास लैपटॉप था ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने आईफोन लिया क्योंकि क्वालिटी बेटर करने के, शूट करने के लिए। तो विंडोज़ में ट्रांसफ़र करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मुझे फिर मैक लेना पड़ा, उसमें सिर्फ FCP यूज़ करा। तो मैं मतलब उतना फ़र्क नहीं लगा मुझे, फिल्मोरा भी अच्छा था, मतलब उस पर हाथ से ही बैठा हुआ था, जल्दी जल्दी एडिटिंग कर देता था मैं। आदत पड़ गई थी। अब FCP पे पड़ गया है, तो जो आप यूज़ करोगे, लेकिन मुझे फ़ोन की भी आदत पड़ी थी तो फोन में जल्दी एडिट कर रहा था, तो बस वही है। तो बस क्रिएटिविटी से फर्क। हाँ क्रिएटिविटी से, मतलब हमको पता होना चाहिए कि हमको अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना है, बस वही मेन है। तो भाई बस एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो जैसे कि तुम्हें पता ही है मेरी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया है, मेरा चैनल देखा तुमने, तो भाई ये तुम्हें डेली व्लॉगिंग का आइडिया कहाँ से आया कि तुम अच्छे से कर सकते हो? शुरुआत में डर नहीं लगा कि कैसे होगा डेली? डेली व्लॉगिंग तो हो गई, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था। लॉकडाउन का पहला दिन था, उस दिन मैंने ड्राइंग करी थी पूरी फैमिली के साथ में, मतलब मैंने पूरी फैमिली को बिठा के उनको सिखाया और उनको बनाने के लिए बोला एक ड्राइंग, एक आई की, तो सब ने बनाई। तो पहले दिन बनाई तो खाली बैठे थे, लॉकडाउन था, तो अगले दिन फिर वीडियो बना दी ऐसी फैमिली के साथ में, कभी क्या कर रहे हैं जो भी मतलब लाइफस्टाइल में हो रहा है सिंपली वो बनाएं। तीसरे दिन भी बना दी, चौथे दिन भी बना दी, इस तरह से मतलब मैंने देखा 4-5 दिन तक डेली वीडियो बन रही है, 4-5 दिन डेली वीडियो, पहली बार मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मैंने टारगेट लिया, चलो 10 दिन तक बना के देखते हैं।
तो वही नॉर्मल डेली व्लॉग्स फैमिली व्लॉग्स बनाते गए, 10 दिन भी हो गए, फिर किया कि चलो 20 दिन तक बना के देखते हैं, नॉर्मली बनते गए, कोई प्लान नहीं था कि बनाने हैं, बस बनते गए बनाते गए, फिर 100 भी हो गए, पता ही नहीं चला, फिर 200 हो गए, फिर 365 भी हो गए। भाई मेहनत तो है, मैं खुद देख रहा हूँ तुम्हें, पूरे दिन शूट करते हो और फिर रात में एडिट करते हो। तो इसी तरह की ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन देखने के लिए दोबारा मिलेंगे हम चाय की चर्चा पे। वैसे मेरी चाय नहीं है, कॉफी है। चलो भाई, चीयर्स। चीयर्स। तो भाई जैसा कि सौरभ ने भी बता दिया, तुम्हारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता है, जो मैटर करता है वो है तुम्हारी क्रिएटिविटी, और वो तुम कहीं पे भी दिखा सकते हो। तो आज तुम्हें सीखने को मिला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, और मुझे सीखने को मिला सौरभ से कंसिस्टेंसी के बारे में। अबे सीख तो लिया बट इम्प्लीमेंट भी तो कर। हाँ इम्प्लीमेंट भी करूँगा भाई, सीखा है तो पक्का। तो मिलेंगे ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम सब साथ में सीखेंगे।